बहन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहत बहन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है वो है वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा यानी कि ओल्ड एज एंड सिक्योरिटी। तो किस तरीके से आप इस टॉपिक पे लिखेंगे, कैसे आप एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं, और मैंने खुद इस टॉपिक पे लिखा है और मैं उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट लेनी है, इससे आप इससे भी बेटर सोच सकते हैं। तो किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको लिखना है, वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। और ये टॉपिक आपका जो ओल्ड एज एंड सिक्योरिटी है, ये आपका CHSL 2017 का टॉपिक है ऐसे का। ये 2017 में जो ऐसे पूछा गया था वो इसी पे पूछा गया था। और कल मैंने यही टॉपिक अपने जो हमारा डिस्क्रिप्टिव का कोर्स चल रहा है उसमें मैंने यही टॉपिक लिखने के लिए दिया था। तो डिस्क्रिप्टिव के कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप CHSL, CGL, MTS या SSC की किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप CHSL, CGL डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कम्प्लीट डिस्क्रिप्टिव PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स इतना खास क्यों है, क्यों मैं इसकी तारीफ़ करता हूं और क्यों मैं कहता हूं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यहां पे इसका जो हमने प्राइस रखा है वो इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। जो आप बुक परचेज करेंगे मार्केट से उससे भी कम कॉस्ट में पड़ेगा। और उसके अलावा इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें अगर आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर लाने हैं तो सिर्फ दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है। पहला, आपको ढेर सारी जो RDA की कॉपी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने 40 प्लस जो RDA की कॉपी हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से कराएंगे। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा कि SSC किस तरीके से नंबर देती है, किन कॉपियों में अच्छे नंबर मिले हैं और अच्छे नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं, और ख़राब नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा। उसके अलावा ढेर सारी प्रैक्टिस, तो इसीलिए यहाँ पे हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराते हैं। डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपको नंबर मिलते हैं। और जितने भी कोर्स मार्केट में चल रहे हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 कॉपी चेक करें, लेकिन हम आपकी टिल एग्ज़ाम कॉपी चेक करने वाले हैं। और अगर आप जैसे CHSL का डिस्क्रिप्टिव देने वाले हैं, उसके अलावा आप CGL में भी क्वालिफाई हैं, तो एक बार ही इनरोल करने के बाद आप जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं कि MTS के लिए आपको अलग से इनरोल करना है और CGL के लिए अलग से करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको तीनों डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको एक ही बार इनरोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की जो PDF है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव के कोर्स में इनरोल हैं उनको ये PDF ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं हर बार यही चीज़ आपको समझाता हूँ कि जो आपको टॉपिक मिलता है उसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप उसके बारे में सटीक लिख पाएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है वृद्धावस्था को कि क्या होती है, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का इश्यू क्यों बना हुआ है, क्यों सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है, आखिर कौन कौन से सब पैरामीटर हैं जिसके थ्रू हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसके अलावा इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके इर्द गिर्द आपका टॉपिक होगा। तो समझ गए आप कि टॉपिक में आपको क्या क्या लिखना है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मानव अपने जीवन काल में अनेक पड़ावों से होकर के गुजरता है, जिसमें प्रमुख चार पड़ाव हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था। जीवन के सभी पड़ावों में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण पड़ाव है वृद्धावस्था, जिसमें मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर कमजोर पड़ जाता है। अवस्था का प्रारंभ 60 से 65 वर्ष की आयु से हो जाता है। जिस तरीके से हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा को भी भूलते जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के अहम विषय और उनकी देखभाल एक अहम विषय बन गया है। आधुनिकता के बहाव में हम अपने बुजुर्गों की देखभाल और उनको साथ रखने से कटते जा रहे हैं, और जिस दौर में उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। सरकार भी बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, जिसके लिए सरकार द्वारा अनाथालय और कई वृद्धाश्रमों का संचालन लगातार हो रहा है।
उसी के साथ साथ अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी कुछ महत्वपूर्ण स्कीम के द्वारा सरकार उनको आर्थिक मदद भी कर रही है। आर्टिकल 21 में संविधान भी उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ करने की जरूरत है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास करने की जरूरत है जिससे हम अपने बुजुर्गों की दिशा और दशा में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए एडवांस मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा वृद्धाश्रम और अनाथालय की समय समय पर चेकिंग और भोजन की समुचित व्यवस्था, कठोर कानून जिसके तहत बुजुर्गों की सुरक्षा की गारंटी हो, तथा यदि कोई अपने माँ बाप को बेघर करे उसके लिए उन्हें दंडित और अपमानित किया जाए। जो NGO इस दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ साथ आज हमें इसकी मूल जड़ को समझना होगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है। इसका मूल कारण हमारे बच्चों में संस्कार और संस्कृति का अभाव होना है। इसके लिए नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए और इसी के साथ साथ अपने बच्चों को दादी बाबा के संस्कार और उनके साथ समय देने पर जोर देना चाहिए। साथ ही जिन बुजुर्गों का कोई नहीं है उनके स्वास्थ्य, रहने और भोजन की समुचित और सुदृढ़ व्यवस्था सरकार की भी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैंने इसी जो टॉपिक हमारा है उसी के आसपास लिखा है, तो जब आप उसी के आसपास लिखेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलेंगे। और जब भी आप लिखें तो उसके बारे में पहले से प्लानिंग कर लो कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है, मेन बॉडी में क्या डालना है और कंक्लूजन में क्या डालना है। आपके ऐसे से हमेशा एक फ्लो लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लाइन में आप कोई लाइन से आप कुछ भी लिख रहे हैं और दूसरी लाइन जब आपने स्टार्ट किए तो उससे कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी ना नजर आए। तो हमेशा आप याद रखो कि आप जो ऐसे लिखे उसमें एक कंटिन्यूटी हो, मतलब हर एक लाइन का तार ऊपर वाली लाइन से जुड़ा होना चाहिए। तो जब टीचर को मज़ा आएगा तो वो आपको भी अच्छे नंबर देगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप ऐसे में अगर बेटर करना चाहते हो तो टॉपिक की समझ बहुत ज़रूरी है। तो पहले टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या कोई फैक्ट्स है जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे हमें वेटेज मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आर्टिकल 21 का जिक्र किया, उसके बाद अटल पेंशन योजना का जिक्र किया, वृद्धावस्था पेंशन योजना का जिक्र किया। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो जिससे कि आपको और वेटेज मिलेगा, ठीक है। आप इसकी रैंकिंग भी बता सकते हो। तो रिसर्च करिए, इस पर सोचिए कि आप और इसे कितना और बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ से हिंट लेना है और फिर अपना जो टॉपिक है उसको समझना अच्छे तरीके से और फिर इससे हिंट लेके एक बेटर ऐसे लिखना है। यही सलाह मेरी आपको हमेशा के लिए है कि जैसे आप बुक भी पढ़ते हैं तो बुक से सिर्फ आप फैक्ट्स उठाइए और जो उन्होंने लिखा है उसे समझने का प्रयास करिए। बाकी आप जितना अपनेपन के साथ लिखेंगे, टीचर को जितना लगेगा, एग्जामिनर को कि आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेंगे। मैं आपको जो अच्छे नंबर मिलते हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और RTI की कॉपी इतनी सारी मैंने देखी है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर सिर्फ यही देखता है कि जो टॉपिक आपको मिला है क्या आपने उस टॉपिक को समझा है और क्या उसको टच भी किया है। तो अगर आप जो भी पॉइंट्स वहाँ पे पूछे गए उनको अगर टच भी कर देंगे तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है, क्योंकि बस वो ये देखना चाहता है कि क्या आप उस स्तर तक सोच पाए जो आपसे, मतलब वो कहना चाहता है, जो टॉपिक के थ्रू आपसे निकलवाना चाहता है कि आप उस चीज़ को समझ पाए। और अगर आप उस चीज़ को लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, यहाँ से आपको सिर्फ हिंट लेनी, और आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं। तो मेरी जो एडवाइस है वो आपके लिए यही है कि फैक्ट्स पे काम करिए, सोचिए कि कितना फैक्ट्स आप उसके बारे में डाल सकते हो। उसके अलावा टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए और अपना जो ऐसे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे और ये हमारा कल का टॉपिक था जो हमारा डिस्क्रिप्टिव का कोर्स चल रहा है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम की बहुत बेहतर प्रिपरेशन करनी है और 70+ स्कोर डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में लेके आना है तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF+ वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, 6307185699 इस नंबर पे आप WhatsApp पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।